वेलकम गाइस। तो आज हम बात करने वाले हैं हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का अगला टॉपिक वैदिक आर्किटेक्चर। हमने इससे पहले बात करी थी हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर का ही पहला टॉपिक जो था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। अगर आपने वाली वीडियो नहीं देखी है तो जाके वाली वीडियो देख लो, और यही दूसरा पार्ट है अब हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में वैदिक आर्किटेक्चर। तो आज हम बात करने वाले हैं जो वैदिक आर्किटेक्चर था, जो आर्यंस का टाइम था, उस टाइम पे हमारा जो आर्किटेक्चर था वो किस टाइप का था। ये भी हमारे आर्किटेक्चर में एक सब्जेक्ट में एक टॉपिक है, जिससे भी इससे भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपको इस लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो मेरे टेलीग्राम चैनल पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक है और वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। मैं वहाँ पे इसकी पीडीएफ मैंने दे दी है, आप जाके डाउनलोड कर लें। इससे पहले वाले लेक्चर की भी पीडीएफ वहाँ पर अवेलेबल है, तो आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लें। तो सबसे पहले बात करते हैं कि जो इंडस ये हमारा वैदिक आर्किटेक्चर है, इसका ओरिजिन कहाँ से था। तो बेसिकली ये वैदिक आर्किटेक्चर इंट्रोड्यूस किया था आर्यंस ने। तो ये स्टार्ट कैसे हुआ था, जब पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका डाउनफॉल हुआ, वो ख़त्म हो गई सिविलाइजेशन। अब इसके क्या रीजंस थे, क्या कारणवश वो एक इतनी बड़ी महान सभ्यता इंडस वैली सिविलाइजेशन पूरी की पूरी ख़त्म हो गई, ये इसका रीज़न अभी भी नहीं पता। हमें नहीं पता कि वो किस टाइप से पूरी ख़त्म हो गई पूरी सभ्यता। लेकिन जो वैदिक आर्किटेक्चर हमें पता है कि ये आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया था। कुछ कहते हैं कि आर्यंस ने इंडिया पर अटैक किया था, वो यूरोपियन साइड से आए थे और इंडिया को उन्होंने इन्वेड किया था। हालांकि कुछ ऐसा सच एविडेंस है नहीं जिससे पता लगाया जा सके कि आर्यंस ने इंडिया पर अटैक किया था, क्योंकि उस टाइम पर कोई भी ऐसा वॉर के एविडेंसेस अभी हमारे पास अवेलेबल नहीं है जो इस चीज़ को प्रूव कर सके कि आर्यंस ने इंडिया पर अटैक किया था। तो लैक ऑफ एविडेंस की वजह से कुछ लोग ये कहते हैं कि ये एक इंडिजीनियस इनहेबिटेंट ऑफ इंडिया है, मतलब ये इंडिया के मूल निवासी हैं, ये ही फर्स्ट इंडियंस इनको कह दिया गया फिर इसीलिए, क्योंकि कोई एविडेंस नहीं है कि ये कहाँ से आए थे, तो इसीलिए इन्होंने फर्स्ट इंडियंस का एविडेंस के लैक के बिना पे ये कह दिया गया कि ये फर्स्ट इंडियंस हैं। तो ऐसे हमारा ये वैदिक आर्किटेक्चर का ओरिजिन हुआ था। ये एक मैप है जिसमें बताते हैं कि आर्यंस का रीजन कहाँ था, वैदिक रीजन वाला जो आर्यंस ने इंट्रोड्यूस किया था वो कहाँ था। बेसिकली नॉर्थ वेस्ट इंडिया और ईस्ट पाकिस्तान के आसपास का रीजन है जहाँ पे पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन थी। ये सिंधु रिवर के पास इसका स्टार्टिंग हुआ था, फिर धीरे धीरे स्प्रेड आउट हुआ था यमुना और गंगटिक प्लेन्स में, यहाँ पे ज़्यादा ये फ्लरिश किया था आर्यंस वाला कल्चर वैदिक रीजन के दौरान। अगर यहाँ पे सोसाइटी की बात करते हैं कि इस टाइम पे क्या सोसाइटी था, तो ये लोग बहुत ही रिलीजियस लोग थे, सोसाइटी काफ़ी इनकी वेल डेवलप्ड सोसाइटी थी। तो पहला जो पॉइंट है हमारे पास कि बहुत रिलीजियस लोग थे, ये अपना कल्चर इनका रिलीजियस बुक्स पर बेस्ड था, जैसे कि वेद, उपन्यास, पुराण, इन सब पे ये इनकी रिलीजियस कल्चरल बुक्स थी, इन्हीं पर इनका सारा पूरा कल्चर बेस्ड था। ऋग्वेद भी इन्हीं के टाइम में लिखी गई थी। लेकिन इनके सोसाइटी में एक जो चीज़ थी बहुत ज़्यादा प्रिवेल थी वो थी कास्ट सिस्टम। इन्होंने मनुस्मृति में चार कास्ट सिस्टम इंट्रोड्यूस करी थी। जो पूरी सोसाइटी थी वो चार कास्टों में डिवाइडेड थी, पहली थी ब्राह्मण, दूसरी क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये डिवाइडेड थी इनके काम के अकॉर्डिंग, जैसे इसमें देखते हैं सबसे ऊपर सुप्रीम ब्राह्मण थे, इससे पहले गौड थे इनके ऊपर, लेकिन जो सबसे पहले सोसाइटी में थे ब्राह्मण थे, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य, शूद्र, फिर इसके नीचे जो बचते हैं वो अनटचेबल थे। हालांकि ये आर्यंस के टाइम का नहीं है, ये अभी से कुछ टाइम पहले का ये स्टेटस है अनटचेबिलिटी वाला, लेकिन आर्यंस के टाइम पे ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार जो कास्ट थी ज़्यादा प्रिवेल करती थी। इन अब ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो कास्ट सिस्टम है ये इनके वर्क के अकॉर्डिंगली इनको डिवाइड कर किया गया था स्टार्टिंग में, लेकिन आज के टाइम में क्या ऐसी कंडीशन है, आज भी हमारी सोसाइटी में काफ़ी जगह कास्ट सिस्टम मानी जाती हैं जो इन्हें कैटेगराइज कर देती है लोगों को इनके बर्थ के अकॉर्डिंगली, लेकिन ये गलत है। जब ये आर्यंस के टाइम में हुआ था तो ये इनका कास्ट सिस्टम हुआ था इनके
काम की वजह से, जैसे कि ब्राह्मिन्स का जो काम था लोगों में नॉलेज स्प्रेड करना, जैसे इनके पास बहुत सारी ऋग्वेद की या वेद पुराणों की इनके पास ज्यादा नॉलेज थी, तो इनका ब्राह्मिन्स का काम था कि जो सोसाइटी में जो नॉलेज है उसको स्प्रेड करना। तो वो कास्ट बन गई, एक ब्राह्मिन की कास्ट हो गई। क्षत्रिय थे जो किंग थे, एम्परर थे जो राजा थे, और इनका काम ये था कि राजा पूरे एक रीजन पर राज करना और उस रीजन का देख रेख करना, उनकी सिक्योरिटी मेंटेन करना, तो ये क्षत्रिय का काम था। वैसे वहीं ये ट्रेडर्स की कम्युनिटी थी कि जो भी ट्रेडिंग से डिपार्टमेंट का जो भी है सामान का खरीदना बेचना, ये सब वैसे वाले ट्रेडर्स कम्युनिटी में आते हैं। बाकी के जो शूद्र हैं उनका काम ये था, बेसिकली सर्विस कम्युनिटी के थे जो सर्विस करते थे वहाँ पे, जैसे सड़क को साफ करना, रोड को, या फिर किसी भी हेल्पर के तौर पे ये लगना, तो ये शूद्र कम्युनिटी का काम था। तो इनको बहुत ही नीची नजरों से देखा जाने लगा, क्योंकि ये ऐसे काम करते थे जो कि और भी तीन कास्ट के लोगों को करना पसंद नहीं था, तो ये शूद्र कम्युनिटी के था। तो ये कास्ट सिस्टम था उस टाइम पे, प्रिवेल था ज्यादा। अगर हम बात करते वुमेन की क्या स्टेटस था सोसाइटी में, तो वुमेन का स्टेटस काफी अच्छा था। इंडियन आर्यंस के टाइम में वुमेन्स काफी रिस्पेक्ट से देखा जाता था। उस टाइम पे ये लोग काम किया करते थे, हाउस होल्ड वर्क जो थे, सोशल वर्क थे, ये मेल के साथ मिलके काम किया करते थे। उस टाइम पे कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। आज भी हम देखते हैं हमारे सोसाइटी में काफी जगहों पर पर्दा सिस्टम आज भी लागू है, लेकिन उस टाइम पे इनके वुमेन्स पे कोई पर्दा सिस्टम नहीं था। वुमेन्स को भी बराबर एजुकेशन मिलती थी, मेंस के बराबर बिल्कुल एजुकेशन मिलती थी। वहाँ पे कोई चाइल्ड मैरिज सिस्टम नहीं था और कोई सती सिस्टम भी नहीं था। हमारे इंडियन कल्चर में बीच में सती सिस्टम काफी ज्यादा हो गया था, तो लेकिन आर्यंस के टाइम पे ये सती सिस्टम नहीं था। जो वुमेन्स के हाई मोरल वैल्यूज थी वहाँ पे, तो ओवरऑल जो थी वुमेन्स एक अच्छी गुड कंडीशन में थी वैदिक पीरियड में। इन सब के बाद हम बात करते हैं आर्किटेक्चर से रिलेटेड। तो आर्किटेक्चर से रिलेटेड क्या था कि वास्तु पुरुष मंडल, ये एक तरह का पुरुष मंडल था जिसके अकॉर्डिंग ये अपनी बिल्डिंग सारी डिजाइन किया करते थे, और ये बहुत काफी मेन था। वो लोग चाहते थे जो हमारी यूनिवर्स और कॉस्मिक लेवल की जो एनर्जी है वो हम हमारी लेवल ऑफ एनर्जी से मैच कर सके। तो ये लोग एक तरह का घर प्लान डिजाइन किया करते थे जिसमें जो अलग अलग रूम्स हैं उनको अलग अलग एनर्जी लेवल से मैच करने के लिए इन्होंने पूरा डिजाइन किया था वास्तु पुरुष मंडल। ये एक तरह का स्क्वायर है और ये 36 पार्ट्स में इनिशियली डिवाइड किया गया था, बाद में इसको 64 पार्ट में डिवीजन होता है, और फिर एट लास्ट ये टोटल लास्ट में रह जाता है 81 स्क्वायर में ये डिवीजन रहता है। हर एक डिवीजन है जो गॉड का अलग अलग रिप्रेजेंटेशन करता है, मतलब एक जो स्क्वायर है वो एक गॉड को रिप्रेजेंट करेगा, एक और जो स्क्वायर है वो एक और गॉड को रिप्रेजेंट करेगा, और वहां पे उन्हीं गॉड से रिलेटेड एक्टिविटी होती है। जैसे कि ये एक वास्तु पुरुष मंडल है जिसमें हमें 81 स्क्वायर डिवाइडेड मिलेंगे, तो ये हर एक स्क्वायर हर एक गॉड को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे कि ये है, इसमें ये सेंट्रल स्क्वायर है, ब्रह्मा को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये दिति अदिति गॉड, ये ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे सूर्या में मिलेगा, वेस्ट डायरेक्शन में वरुण, साउथ में यम, नॉर्थ में कुबेर। अब कुबेर कुबेर महाराज से रिलेटेड जो रहता है कि वो एक धन से रिलेटेड है, तो यहाँ पे जितने भी मनी रिलेटेड जितनी भी प्लेसेस बनाई जाएंगी वो इस वाले एरिया में बनाई जाएंगी नॉर्थ में। ये हम देखते हैं साउथ ईस्ट में अग्नि है, अग्नि जो देव है उनका रिलेशन है फायर से, आग से। तो जितना भी किचन है जैसे जहाँ पे आग का काम होता है वो इस साइड में इस वाले एरिया में कंस्ट्रक्ट करते हैं। बेसिकली ये यही एक चीज करना चाहते हैं जो गॉड की एनर्जी ऑफ लेवल है वो हमारी एनर्जी ऑफ लेवल से मैच कर जाए, जिससे क्या है इनको एक मेंटल पीस मिलेगा। तो इस वजह से इन्होंने अपने अपने कल्चरल में ये वास्तु पुरुष मंडल है। आज के टाइम भी हम ये वास्तु शास्त्र फॉलो करते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कहाँ पे कौन सा रूम कहाँ पे डिजाइन करना चाहिए इसी लेवल ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंगली। तो ऐसा नहीं है, यहाँ स्टार्ट उस टाइम पे हुआ था लेकिन हम आज भी इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। तो कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स क्या थी वहाँ पे, जो घर हाउसेस जो बनते थे वो क्या बनते थे, जो पीरियड था बेसिकली होता है रिलीजियस पीरियड है, तो वहाँ पे जितने भी रिलीजियस बुक्स में जो भी बताया गया था
हाउस कंस्ट्रक्शन के बारे में, तो एग्जिटीज वो वैसा ही डिजाइन करने की कोशिश करते थे अपने घरों को भी, क्योंकि वहां पे कास्ट सिस्टम काफी फैला हुआ था, तो जो हायर कास्ट के थे वो जनरली रिच हुआ करते थे, उनके लार्ज हाउसेस हुआ करते थे, जैसे कि किंग्स हैं या फिर ट्रेडर्स कम्युनिटी की बात करें, तो ये सब जो थे काफी पैसे वाले थे, जो रिच थे तो एलिट क्लास के लोग थे, तो इनका बड़ा अच्छा घर हुआ करता था, जो पुअर्स थे उनके पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे, तो इसीलिए उनका हट, जो एक हट बना के वो वहां पर रहा करते थे। तो अगर हम डिस्कशन करते हैं वेल्दी हाउस के लिए, जो मतलब रिच लोगों का घर है, तो वहां पे एक बीच में एक सेंट्रल कोर्ट यार्ड होना मस्ट था, क्योंकि जैसे हम अभी वास्तु पुरुष मंडल में देखते हैं ब्रह्मा वाला रीजन है, तो यहाँ पे सेंट्रल कोर्ट यार्ड है और उनके साइड में ये चारों तरफ घर हैं, और उन घरों को हम शाला बोलते हैं, जैसे कि पाकशाला हो गया, किचन, तो ये शाला वर्ड है, इस रूम को कहते हैं रूम इस शाला, तो ये शाला है। अब जो एक इसमें जो नोटिसेबल बात थी, जो रूम की वॉल की थिकनेस थी वो होती थी 1/16 ऑफ द स्पैन ऑफ द रूम, मतलब रूम जितना भी स्पैन का है उसकी 1/16 जो लेंथ होती थी वो होती थी थिकनेस ऑफ द वॉल। ये एक नॉर्मली जो रिच क्लास की फैमिली है उसका ही फैमिली प्लान है, जिसमें हमें देखने को मिलता है कि ये सेंट्रल कोर्ट यार्ड है, जो कि बहुत ओपन है, और ये बेसिकली यहाँ पे यज्ञशाला है, जो यज्ञ ऑर्गेनाइज किया करते थे, तो यहाँ पे सेंट्रल में भी यज्ञशाला है, और ये साइड में पाकशाला है, ये सेंट्रल कोर्टयार्ड के चारों तरफ ये रूम डिवीजन है। यहाँ पे हमारा एंट्रेंस प्रोवाइड किया गया, ये देवालय है, ये टेम्पल या घर में जो मंदिर का स्थान होता है, ये वो शाला बेडरूम वगैरह, ये बेसिकली यही है कि बीच में सेंट्रल कोर्टयार्ड इनको प्रोवाइड करते हैं, और इनके एंट्रेंस सेंट्रल कोर्टयार्ड से ही रूम के अंदर होता है, और जो विंडोज के हैं वो बाहर की तरफ है। कुछ कुछ ऐसा डिजाइनिंग हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के घरों में भी देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे ज्यादा एडवांस लेवल ऑफ डिजाइनिंग मिलती है एज कम्पेयर टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, क्योंकि और यही सारी चीजें मैंशन की गई हैं हमारे रिलीजियस बुक्स में, और ये अकॉर्डिंगली डिफरेंट लेवल ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट गॉड्स, तो यहाँ पे उस हिसाब से ये घरों को डिजाइन किया गया है। तो एक बार ये मैप को, ये फ्लोर मैप है, इसको ध्यान से एक बार देख लेना वीडियो पॉज करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में आ सकता है, और हम ये एग्जाम में हम बना के एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि उस टाइम पे कैसे घरों का हाउस प्लानिंग कंस्ट्रक्शन था। यहाँ पे एक चीज है जिसमें डिफरेंट डायरेक्शन है, वो डिफरेंट चीजों को रिप्रेजेंट करती है, जैसे कि ईस्ट के डायरेक्शन में हम देखते हैं सन गॉड है, क्योंकि ईस्ट से ही सनराइज होता है, तो इसीलिए उसके डायरेक्शन को सन गॉड माना गया है ईस्ट में। वेस्ट में विंड है, क्योंकि जनरली ईस्ट से वेस्ट में विंड फ्लो करती है, तो वेस्ट डायरेक्शन में विंड गॉड को माना गया है। नॉर्थ में वेल्थ गॉड माना गया था, हमने देखा था वहां पे कुबेर कुबेर महाराज वाला एक एनर्जी लेवल प्रोवाइड था, यहाँ पे देखा ये नॉर्थ में कुबेर, तो ये वेल्थ, कुबेर एक सिंबल है वेल्थ के, तो यहाँ पे वेल्थ से रिलेटेड जितनी भी घर में चीजें हैं वो नॉर्थ में है, और साउथ में डेथ गॉड माना गया है, या यमराज जो हमने साउथ में देखा था, ये यमराज बेसिकली डेथ गॉड है, तो ये साउथ में इनको स्थान मिली गई है। तो अगर हम बात करते हैं मटेरियल, उस टाइम पे क्या कंस्ट्रक्शन मटेरियल यूज करते थे, तो क्योंकि ये एक रिवर के आसपास का, गैंगेटिक प्लेन्स के आसपास के ये सारा रीजन है, तो वही हमें देखने को मिलता है ये ड्राई क्ले, बैम्बू, वुडन स्ट्रक्चर, यही सब वहाँ पे कंस्ट्रक्शन मटेरियल ज्यादा प्रिवेल करते हैं। हम देखते हैं यहाँ पे कॉलम टेक्निक यूज करते हैं, टिम्बर के कॉलम को वो इरेक्ट करके उसके ऊपर बैम्बू या वुडन बीम को बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन टेक्निक्स थी, और फिर उस बीम में बेम्बो लगा के उसकी रूफिंग करते हैं रीड और स्ट्रो से। ये कुछ कुछ अभी अभी विलेज रीजन में अगर हम आज भी देखते हैं तो ये सेम कंस्ट्रक्शन टेक्निक आज भी हमें देखने को मिल जाएगी हमारे विलेजेस रीजन में। जनरली सीलिंग्स थोड़ी सी हाइट पर थी उस टाइम पे, और जो फ्लोरिंग यूज करते हैं वो रैम्ड अर्थ, यानी कि अर्थ को बहुत हाई प्रेशर से दबा के, पूरा दबा के उसके ऊपर काओ डंग से कवर कर देते हैं। ये आज भी ये सारी एक्टिविटीज
आज भी विलेज वाले रीजन में आज भी हमें देखने को मिलती हैं। तो ये तभी से ये सारी चीजें फॉलो होती आई हैं। हाउस एंट्रेंस वर डिजाइन विद अ ज्योमेट्रिकल एंड फ्लोरल पैटर्न विद अर्थ कलर्स, मतलब जो घरों की एंट्रेंस थी वो काफी अच्छी डिजाइन किया करते ज्योमेट्रिकल और फ्लोरल पैटर्न से, और जो कलर्स यूज किया करते थे वो अर्थ कलर यूज किया करते थे, जो नेचुरल कलर्स होते हैं, जैसे कि अगर येलो कलर यूज करना है तो उस टाइम पे टर्मरिक या हल्दी यूज कर सकते हैं, या रेड कलर यूज करना है तो किसी के भी फूल फ्लावर का जो जूस है वो रेड कलर होता है उसको यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये अर्थ कलर यूज करके वहाँ पे मेन एंट्रेंस को डिजाइन करते हैं। अगर आज भी साउथ 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 इंडिया के आसपास देखते हैं तो जो उनके फेस्टिवल्स होते हैं वहाँ पे ये जो डोर मेन गेट है जिसमें डोर रहता है वहां पे साइड में डोर फ्रेम और उसके साइड में ये हाउस एंट्रेंस पे ये अच्छे अच्छे फ्लोरल और ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स आज भी देखने को मिलते हैं। हम रंगोली बनाते हैं, सेम वही चीज है, ये एंट्रेंस के टाइम पे काफी अच्छा लगे, ये मानते थे इस चीज से उनका गुड फॉर्च्यून आता है ये सब चीजें करने से, क्योंकि ये बहुत एक पुरानी है, क्योंकि फिफ्थ और इनका जो मटेरियल हम यूज करते हैं सैंड और क्ले से, तो 5th सेंचुरी से पहले के जितने भी स्ट्रक्चर्स थे वो सर्वाइव नहीं कर पाए हैं, और 5th सेंचुरी के बाद के कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो कि अब सर्वाइव कर पाए हैं, तो अब वो हमें देखने को नहीं मिलते हैं 5th सेंचुरी से पहले के जो स्ट्रक्चर थे। तो ओवरऑल ये था हमारा हिस्ट्री ऑफ आर्किटेक्चर में जो हम पढ़ रहे थे, जो वैदिक पीरियड। तो ओवरऑल जो मेन टॉपिक्स थे हमारे वैदिक पीरियड के वो यही सारी चीजें हैं, इसी चीज सारी चीजों को कवर करना है, और इसी में से हमारा एक क्वेश्चन बनता है तो वो हमें करके आना है। आई होप वीडियो अच्छी लगी होगी, कमेंट करके बताना। थैंक यू।